आज हम बनाएंगे आलू भुना की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है। तो रेसिपी के लिए हम शुरुआत करते हैं। रेसिपी का वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। तो रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन में लेंगे 5 चम्मच तेल। तेल अच्छे से हम गरम कर लेंगे और अब उसमें डालेंगे हम 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए और इसे लगभग 10 मिनट पर मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। इसे हम अच्छे से ब्राउनिश होने देंगे। इसमें हमने अभी थोड़ा सा नमक डाला है ताकि प्याज हमारे अच्छे से गल जाए और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज नीचे से न लग जाए या जल ना जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कटे हुए। 3 से 4 हरी मिर्ची हम इसमें बारीक कट करके डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे प्याज के साथ। लगभग प्याज की प्रोसेस को हमें 10 से 15 मिनट लगता है उसे फ्राई करने के लिए। इस रेसिपी को हम जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे धीमी या मीडियम फ्लेम पर उतने ही इसका टेस्ट उभर के आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का क्रोसली ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। उसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। दस से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। 3 टमाटर की मीडियम साइज़ की प्यूरी हमने बना ली है और वो हम इसमें डाल के इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। तो रेसिपी का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब हम इसमें डालेंगे जो धनिया की डंडिया होती है वो हमने बारीक कट करके इसमें डाला है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके साथ उसे फ्राई होने देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और उसे इसके साथ फ्राई होने देंगे धीमी आंच पर। जब तक हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच दही और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और गरम मसाला या चिकन मसाला आप जो भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप इसमें डालिए। 1 चम्मच हमने इसमें मसाला डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मसाला हम इसमें डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे धीमी आंच पर। अब ये अच्छे से 10 मिनट फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम पानी, लगभग 1 बड़ा कप हमने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे धीमी आंच पर। जब तक इस मसाले को तेल अच्छे से छूट नहीं जाता, जब तक हम इस मसाले को भूनेंगे। अब हम इसमें डाले हैं धनिया, कटी हुई धनिया डाला है हमने इसमें और उसे भी इसके साथ हम अच्छे से भून लेंगे। हमने अब इसमें डाला है 2 चम्मच घी। घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे धीमी आंच पर भूनने देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट भूनने के बाद हम ये मसाला साइड में कर लेंगे। अब इसमें हमने डाला है घी। आप तेल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं।
यह अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें डाले हैं प्याज के और गाजर के स्लाइसेस लंबे लंबे, आप बारीक कट करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें हमने डाले हैं बारीक कटे हुए काजू, काजू के साथ आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो हम सबको अच्छे से भून लेंगे लगभग 5 मिनट तक। फिर हमने इसमें डाला है बॉईल करे हुए आलू, 3 आलू हमने बॉईल कर लिए थे, उसे हमने कट कर लिया था, और इसके ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम मसाले के साथ आलू को मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हम 2 से 3 मिनट आलू के साथ भूनने देंगे। आप इस रेसिपी को इस ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक, 1/4 या 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। गरम पानी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको जिस तरह की ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया है, लगभग 1 बाउल गरम पानी यूज़ किया है। इसे पानी डाल के हम अच्छे से धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट भूनने देंगे। और 5 से 7 मिनट भूनने के बाद हमारी आलू भुना की रेसिपी रेडी है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगी और बनाने में बिल्कुल आसान रेसिपी है। इसी तरह मेरे चैनल पे ऐसी और कई रेसिपी है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।